भाई पीयूष को देखो ये चाहिए, कह रहा है ये गेमिंग कंसोल चाहिए। कैसे कर्सर भी है, अभी पूरा विंडो सिस्टम है देखो इसमें। भाई रख दे रख दे, तेरे पास पीसी है भाई। अरे तो ये देखो अभी हम फ्लाइट में बैठे हैं ठीक है, और हमको गेम खेलनी है तो हम इसमें खेलेंगे ना भाई। टीवी देखो कितना बड़ा टीवी है भाई, भाई नए घर में ये लगाएंगे लॉबी में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल मैं उठ गया हूं और आज हमको जाना है वापस दिल्ली। आज हमारा लास्ट डे है थाईलैंड में, हमारी शाम की फ्लाइट है दिल्ली की, शाम के 6 बजे की फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा हमको जल्दी। चलो फिलहाल उठते हैं गाइस। आज भी सबसे पहले मैं ही उठा हूं, कोई नहीं उठा अभी तक। साहिल पीयूष यहां पे हैं। साहिल वोरा, पीयूष वोरा, 9 बज के उठ जाओ भाई, सारे पैकिंग कर लेना, कुछ भूलना मत ठीक है। 10 बज चुके हैं, मैं तो नहा के रेडी हो गया हूं। उठो भाई उठो। और मैंने तो अपना सारा सामान भी पैक कर लिया है, ये हमने जो शॉपिंग करी थी ये भी, और अपने दोनों बैग। आज ब्रेकफास्ट में है पूरी और आलू। सुबह से मूड खराब हो गया, भारती जी ने बोला कि मैं अपने बच्चे से मार खाऊंगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये इतना भोला है, कई भोले डैडी होते ना जिनके बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, बाल खींच देते हैं। अरे 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 बड़ा, अरे 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 बेटा छोटा है, ऐसे तो नहीं ना। क्यों? बच्चे भी भोले होंगे, बच्चे भी संस्कारी होंगे, संस्कारी होंगे बच्चे भी। क्या दिल पे हाथ रखते होंगे संस्कारी? हाँ संस्कारी होंगे। देख लेना गाइस, मार तो नहीं खाऊंगा मैं। हेलो सर, चश्मा तो नहीं पहना? ओ मेरी बेटी ने तोड़ दिया सुबह सुबह। हैं? तो चलो शर्ट तो पहले नहीं, मेरे बेटे ने फाड़ दी, ऐसा होएगा तुम्हारा। और यहाँ ब्लड क्यों आ रहा? बीवी ने मारा। नहीं बीवी से तो बिल्कुल भी नहीं। सच्ची? किसी दुनिया से कहीं पहले ना बीवी से खानी पड़ती है। नहीं बीवी की सेवा करूंगा ना। अरे यार जा तू लकड़ी के चप्पले पहन और जा जंगलों में। जंगलों में क्यों? क्योंकि तेरे जैसे लोग शहरों में नहीं होते भाई। तू जंगल में अपने फल फ्रूट ये जो खा रहा है तोड़ और भगवान की पूजा कर। सौरभ फैन हो गई अंशुमा तेरी। और इमोशनल होगी क्योंकि तू केक लेके आया। सच में उसने स्टोरियां डाली यार, उनके हस्बैंड ने कहा करे सौरभ के मम्मी डैडी से बात करो और गोद ले लेते हैं उसे। क्या? गोद ले लेते हैं। ऐसा अमीर बच्चा हमको भी चाहिए। हम भी गोले को हल्द्वानी बेच के तुम्हें ले रहे हैं गोद। आज से जो गोले का वो तुम्हारा और जो तुम्हारा वो हमारा। तुम फ्रेश हो गए? 11 बजने वाले हैं, मैंने खाना भी खा लिया है। उठो, नींद आ रही तो? ये तो उठ गया था, फिर सो गया। फिर निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट के। गाइस मैं ना यहाँ पे एक चीज से बहुत ज्यादा शौक हूँ, पीछे तो एसी दिख रहा होगा ना, ये 3 दिन से लगातार चल रहा है, जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, ये एसी बंद ही नहीं हुआ है, कोई रिमोट भी नहीं है बंद करने का, ये ऑन रहता है भाई 3 दिन से लगातार, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ भाई ये एसी, मुझे समझ में नहीं आया। और ऊपर से यहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं बाहर वो भी 3 दिन से चल रही हैं, फुहारे जल रहे हैं 3 दिन से, मतलब लगातार बंद ही नहीं करते भाई। अब चलते हैं, जाने से पहले एक बार मॉल, मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो चलते हैं मॉल शॉपिंग करते हैं। भाई पीयूष को देखो ये चाहिए, कह रहा है ये गेमिंग कंसोल चाहिए। कैसे? कर्सर भी है, अभी पूरा विंडो सिस्टम है देखो इसमें। भाई रख दे रख दे, तेरे पास पीसी है भाई। अरे तो ये देखो अभी हम फ्लाइट में बैठे हैं ठीक है, और हमको गेम खेलनी है तो हम इसमें खेलेंगे ना भाई। ये टीवी देखो कितना बड़ा टीवी है भाई, भाई नए घर में ये लगाएंगे लॉबी में, बहुत ही बड़ा है भाई। ये है कितने का, प्राइस क्या इसका? 5.5 लाख का टीवी, ये तो फाइनल है भाई, नए घर में ये लगेगा। गाइस अभी हमारा घर ना बना नहीं है, जब उसको सजाना होगा ना, जो उसके लिए चीजें लेंगे तो हम ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लेके आएंगे। अब देखो ये कहाँ पे ले आया, कह रहा है ये लेना है मुझे, एक दिला दो भाई, इसको अलग ही शौक है यार। गाइस मेरे को तो अपने नए घर के लिए काफी सारी चीजें पसंद आई है, बट हम ले नहीं रहे बिकॉज अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ ना सजाने वाला, जब सजाना होगा ना तब आएंगे हम, तब दुबई भी जाएंगे, इधर भी आएंगे, साउथ कोरिया भी जाना है, बहुत जगह जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो गाइस मॉल से आ चुके हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने, अब चलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट है, तुमको पहुंचना पड़ेगा, 2 घंटे तुमको एयरपोर्ट जाने में लगे, यहाँ से बैंकॉक जाना है हमको। बोला बाय गेम ऑफ इंडिया, सुबह सुबह निकल गए थे, उनकी सुबह की फ्लाइट थी बट हमारी शाम की, तो हम अब निकल रहे हैं। लेट्स गो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम पुई। पुई 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 यस। ओके तो पुई जी हमको लेके जा रहे हैं बैंकॉक एयरपोर्ट। पीछे बैठे हैं पीयूष, साहिल और ठगेश भाई। पहुंच चुके हैं बैंकॉक एयरपोर्ट, अब चलते हैं अंदर। अब हमारे पास में 3 घंटे, हम 3 घंटे पहले पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। घुसने के लिए यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती, सीधा घुस सकते हैं। गाइस भीड़ देखो कितनी हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है रेलवे स्टेशन पे आ गए। गाइस हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी सिक्योरिटी चेक में हमारा परफ्यूम ले लिया, 18,000 रुपए का परफ्यूम था, 18,000 रुपए का ले लिया भाई, कह रहे कि अलाउड नहीं है।
भाई मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करता हूँ, इंडिया से यहाँ लेके आया, अब यहाँ से इंडिया ले जाने दे रहे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बट मानी नहीं, बोले नहीं नहीं अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है। उसे तो डस्टबिन में फेंक दिया भाई। देखिए इंडिया से लाया था मैं, इंडिया से थाईलैंड तो लाया था ना मैं, तो यहाँ से वापस भी ले आ सकते थे, इसमें क्या दिक्कत थी। मैंने बोला कि मैं लाया हूँ बर्गर, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है। भाई भूख लग रही है, अब चलते हैं बर्गर किंग, बर्गर ले लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर आ गया है, अब जा रहे हैं गेट की तरफ। ये रहा हमारा गेट, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए हम बर्गर खा रहे हैं साथ में कोल्ड ड्रिंक मस्त। तो ये हमारी सीट भाई, सामने का व्यू देखो सनसेट का। इस वाले प्लेन में ना सोने वाला सिस्टम नहीं है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। दिल्ली मिलते हैं अब। गाइस बाहर का व्यू देखो कितना मस्त है, पूरा ऑरेंज हो रखा है। आज के हमारी उड़ान पर क्रू इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं। अब आप नए एयर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट्स रॉयल्टी प्रोग्राम का अनुभव ले सकते हैं। सामने वाला प्लेन देखो कितना बड़ा है, देखो डबल है, डबल डेकर, ऊपर विंडो नीचे विंडो। तो भी खाना आ गया, मैंने सैलेड मंगाया था, दो सैलेड है और साथ में केक है और साथ में मूवी देख रहा हूँ बर्फी। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली, अब गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं सीधा अपने दिल्ली वाले घर पे, और फिर कल हम निकलेंगे सुबह हल्द्वानी के लिए, सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, अब चलते हैं अपने घर पे। गाइस गाड़ी मिल गई है, निकल गए हम घर जाने के लिए। तो गाइस पहुंच गए अपने दिल्ली वाले घर पे, अब सोते हैं बिकॉज सुबह हमको निकलना है हल्द्वानी के लिए। तो चलो आपसे मिलते हैं सीधा सुबह 4-5 बजे निकलेंगे हम। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल उठ गया हूँ, सुबह के 5 बज गए, पीयूष साहिल को उठाता हूँ, निकलते हैं सीधा हल्द्वानी के लिए। उठो हल्द्वानी बॉयज, उठो उठो हल्द्वानी बॉयज, 5 बज गए। पीयूष तो नींदों में है, देखो आंखें नहीं खुल रही इसकी। कोई नहीं गाड़ी में सो जाइयो, नींद नींद में। गाइस सामने देखो ट्रक गिरा हुआ पूरा, किसी को लगी तो नहीं ना, वो भाई सारा गेहूं गिरा हुआ है। गाइस अभी हमको ना गाड़ी में चलते देखो चॉकलेट मिली, और ये चॉकलेट पता है कहाँ की है, ये है स्पेन की। तो मैं सब्सक्राइबर थे पीछे गाड़ी में, तो वो स्पेन से आए हैं और उन्होंने दिया ये, और मेरा मन कर रहा था चॉकलेट खाने का ही, मेरा मन कर रहा था और चॉकलेट ही मिल गई। और इसमें देखो सब कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ। पहुंच चुके हैं सोसाइटी। चलो भाई टाइम से घर पहुंच गए, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सच फॉर वॉचिंग। जल्दी करता ऐसे करने का कैसे, नहीं नहीं ऊहू क्या होता है, ऊहू क्या होता है, मस्ती से चुलबुले बन गए बाहर आया आप, ऊहू नहीं मैं तो नहीं करता। Ooh, ooh, red day.